तो नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूँ आपको हमारे YouTube चैनल टेक्नो एक्सप्रेस शुभम में। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा खास गैजेट बनाने वाले हैं। तो हमारे घर में यूज होने वाले इस तरह के स्क्रू ड्राइवर का अब हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम बनाने वाले हैं इस तरह का इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर। तो ये इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक से चलता है। तो इस बनाने के लिए एक अडाप्टर का सॉकेट दिया गया है और एक पुश स्विच भी दिया गया है। तो इसमें और एक डिपिटेड स्विच भी लगाया है हमने, जिसके सहायता से हम स्क्रू को निकाल भी सकते हैं और टाइट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो इस इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर को बनाने के लिए हम पीवीसी पाइप की यूज़ करेंगे दोस्तों। तो इस पीवीसी पाइप को हम 13 सेंटीमीटर से स्केल की सहायता से मार्किंग कर लेंगे। 13 सेंटीमीटर हम मार्किंग कर लेने के बाद इसको हम आरी से अच्छी तरीके से काट लेंगे। तो इस पीस को काट लेने के बाद हम इस पीस को फिर से ले लेंगे और उसी पाइप के ऊपर इस तरह से दोबारा से मार्किंग कर लेने के बाद वहां से आरी से इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास दो इस तरह के पीस बनकर रेडी हो जाएंगे। तो हमारे इन दोनों पीस के रेडी हो जाने के बाद दोनों साइड को हम घिस लेंगे अच्छी तरह से स्मूथ करने के लिए। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी इस स्क्रू ड्राइवर को बनाने के लिए 12 वोल्ट का एक गियर मोटर। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो गियर मोटर है इसके अंदर अच्छे से फिक्स नहीं आ रहा था, तो इसको हम गैस में हीट करके इस पाइप को थोड़ा सा फैला लिए हैं। तो आप भी इस तरह से पाइप को गैस में हीट करके फैला सकते हैं और आपके मोटर को इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। तो हमारा वाटर अब फिक्स आ रहा है। उसके बाद हमारा जो दूसरा पाइप था, दूसरा पाइप को हम इस तरह से एंगल में कट कर लेंगे। तो कट करने से ये हमारा जो दूसरी वाले पाइप था ये हमारा हमारे मोटर वाले पाइप के नीचे इस तरह से लग जाएगा, जिससे हमारा हैंडल के तरह यूज़ में आने लगेगा दोस्तों। तो अभी भी थोड़ा सा रफ है, तो इसको हम स्मूथ बनाने के लिए इस तरह से सैंड पेपर रख के हमें इसको घिसना है। तो घिस लेने के बाद हम इसको गैस में हीट करके थोड़ा मोड़ लिया है दोस्तों, जिससे ये हमारा जो पाइप है पूरी अच्छी तरह से फिक्स आ रहा है। तो आपको भी इस तरह से कर लेना है। इसके बाद हम एक प्रेस स्विच ले रहे हैं। तो ये प्रेस स्विच हमने 10 रुपये में परचेस किया था लोकल मार्केट से दोस्तों। तो इस प्रेस स्विच को हम हमारा जो हैंडल वाला पीस था उसके ऊपर इस तरह से होल्ड कर लेना है, और होल्ड कर लेने के बाद हमारा जो स्विच है आपको देख लेना है अच्छे से आ रहा है नहीं। तो ये हमारा स्विच अच्छे से होल्ड में अंदर आ रहा है। तो उसके बाद हम ले लेंगे एक डीपीडीटी स्विच। तो इस डीपीडीटी स्विच को हमारा जो मोटर वाला पीस था उसके पीछे लगा लेंगे। तो लगाने के लिए हम यहाँ पर एक इस तरह का स्क्वायर में होल कर लिया है, जिस तरह से हमारा स्विच है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों हमारा जो मोटर था 12 वोल्ट का गियर मोटर, इस मोटर को दोनों टर्मिनल पर हमें सोल्डरिंग कर लेना है वायर। हमें यहाँ पर प्लस में प्लस वाला वायर और माइनस में माइनस वाला वायर ब्लैक वाला वायर सोल्डरिंग कर रहे हैं दोस्तों। तो सोल्डरिंग कर लेने के बाद हमारा जो डीपीडीटी स्विच था तो इसमें एक छोटी सी सर्किट बनाना है दोस्तों। तो इसके लिए हम छोटे छोटे स्वायर की ज़रूरत होगी दोस्तों। तो इस स्विच के पिन नंबर 1 के साथ पिन नंबर 6 को इस तरह से हमें सोल्डरिंग कर लेना है। सोल्डरिंग कर लेने के बाद इसका हमारा जो पिन नंबर 2 है उसमें एक वायर को सोल्डरिंग कर लेने के बाद इसके दूसरी ओर को पिन नंबर 5 में सोल्डरिंग कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो 1 और 2 वाले जो पिन है इसका अंदर हमारा मोटर वाला वायर दोनों जो है उस वो लग जाएगा दोस्तों। प्लस और माइनस में इसमें कुछ भी लगा सकते हैं आप। तो लगा लेने के बाद हमारा जो बीच वाले 2 पिन बच रहे हैं 3 और 4 वाले, वहाँ से हम एक दोनों 2 वायर ले लेंगे बैटरी के लिए। तो 2 वायर बाहर निकाल लेने के बाद दोस्तों हमारा जो पूरा सर्किट था वो बनकर तैयार हो चुका है। तो इस सर्किट को हम जो मोटर वाले पीवीसी पाइप लिए थे उसके अंदर इस तरह से डाल लेंगे। डालकर हमारा जो मोटर था उस मोटर को अच्छे से इंस्टेंट ग्लू डालकर फिक्स कर लेना है दोस्तों। तो मैं जल्दी जल्दी से इसके अंदर इंस्टेंट ग्लू डाल के फिक्स कर लेता हूँ।
तो इसके बाद दोस्तों हमारा जो दो वायर निकले थे हमारे इनपुट के लिए, तो उन दोनों वायर को हम एक छोटी सी होल के अंदर बाहर निकाल रहे हैं। जो ये दो वायर हमारे जो हैंडल पीस है, इन हैंडल पीस में स्विच के द्वारा होते हुए सॉकेट में सीधा चला जाएगा। तो ये हमारा जो पुश स्विच है, इस पुश स्विच को हम नीचे जो दो टर्मिनल दिए गए हैं इसके अंदर दो स्क्रू भी लगे हुए हैं, तो इन दोनों स्क्रू को हम निकाल लेते हैं। और इसके अंदर हमारे जो दो बैटरी के लिए वायर दिए गए थे, इन दोनों वायर से हमारा जो प्लस वाले वायर उस वायर को ले लेंगे, एक सॉकेट में लगा लेंगे और दूसरे सॉकेट से और एक वायर लगाकर बाहर निकाल लेंगे। तो हमारा जो हैंडल वाला पीस था वो भी ऊपर से बन के तैयार हो चुका है। तो इसके अंदर हम फेविक्विक डाल के अच्छे से फिक्स कर लेते हैं। तो फिक्स हो जाने के बाद हम इसके जो नीचे और पीछे वाले दो भाग हैं उन दोनों को पीछे से पैक करने के लिए इस तरह से पीवीसी शीट के यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। तो हमारा जो पीवीसी पाइप होता है, उस पीवीसी पाइप को हम काट के गैस में हीट करके इस तरह से फ्लैट सा बना लिया है। तो आप भी इस तरह से पीवीसी शीट बना सकते हैं। तो इसके बाद हमें दो इस तरह के गोले आकार का ले लेना है। तो ले लेने के बाद इस दोनों पीस को हमें इन दोनों पीछे वाले भाग में लगाना है। तो उससे पहले हमारा जो हैंडल वाला पीस था उसके पीछे एक सॉकेट लगाना है। तो सॉकेट के लिए हम यहाँ पर ड्रिल मशीन से एक होल कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं जो ड्रिल मशीन यूज़ कर रहा हूँ इसको मैंने खुद बनाया था। तो इस ड्रिल मशीन के वीडियो भी हमारा चैनल में है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो हमारा जो डीसी सॉकेट था, इस डीसी सॉकेट को हम हमारा जो होल में था होल के अंदर इस तरह से अच्छे से लगा लेंगे, फिक्स कर लेंगे। तो फिक्स कर लेने के बाद हमारा जो सॉकेट था सॉकेट में दोनों वायर लगा लेंगे अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर लेने के बाद। सोल्डिंग कर लेने के बाद हमारा जो पीछे वाला ये पीछा था ये हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो इसको हम फेविक्विक सहायता से हमारा जो हैंडल वाला पीस था इसके पीछे इस तरह से अच्छे से फिक्स कर लेंगे। फिक्स कर लेने के बाद हमारा जो मोटर वाला पाइप था उसके पीछे भी हमें पैक करने के लिए इसी तरह से एक पीवीसी शीट के पीस ले लेते हैं। और इससे को भी पीवीसी के पीछे वाले हिस्से में अच्छे से फेविक्विक की सहायता से लगा लेते हैं। तो लगा लेने के बाद हमारा जो इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर था ये पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका है। पर इसके पीछे जो हमने जो लगाए थे पीवीसी शीट ये थोड़े से रफ लग रहे हैं। तो इसको हम इस ड्रिल मशीन से सैंड पेपर लगा कर अच्छे से घिस लेंगे। तो घिस लेने के बाद ये अभी भी थोड़ा सा रफ लग रहा है दोस्तों, तो इसको हम सैंड पेपर से और भी ज़्यादा स्मूथ कर लेते हैं। तो घिस लेने के बाद ये हमारा जो इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर है पूरी तरह से स्मूथ हो चुका है। अब इसके आगे हमारा जो स्क्रू बिट है उसको फंसाने के लिए एक कनेक्टर का ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों। तो हम इस तरह का एक बड़ा सा कनेक्टर का यूज़ कर रहे हैं। तो इस कनेक्टर को हम हमारे जो इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर था उसके आगे की तरफ लगा लेंगे। लगा लेने के बाद हमारे घर में यूज होने वाले इस तरह के स्क्रू ड्राइवर सेट से हम कुछ इस तरह के स्क्रू बिट ले लेंगे। इन स्क्रू बिट से हम कुछ भी किस तरह की भी स्क्रू बिट लगा लेंगे उसके आगे के कनेक्टर के दूसरी छोर पर और उसको टाइट कर लेंगे। तो टाइट कर लेने के बाद हमारा जो इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर है ये बिल्कुल काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके बाद हमारा जो इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर था इसके पीछे हम अडाप्टर के इनपुट दे देते हैं। तो आप इस इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर में लगने वाले गियर मोटर्स को 6 से 12 वोल्ट तक किसी भी वोल्टेज में चला सकते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ले चलते हैं हम इस इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर को
टेस्टिंग कर लेते हैं इस पावर सप्लाई के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से स्मूथली एकदम पूरा हमारा जो स्क्रू था उसको निकाल रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों।